पंडित जी की रसोई में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे भरत वाले सिंघाड़े के आटे के आलू चिप्स। तो यहाँ मैंने दो आलू लिए हैं जिसको पहले छील के रख लिया है। जीरा और काली मिर्च है, ये नमक है भरत वाला, और ये 2 टेबलस्पून सिंघाड़े का आटा है। सरसों का तेल गर्म करने रख दिया है, तब तक हमारा ये तेल गर्म होता है जब तक ये हम आलू छील लेते काट लेते हैं। बिल्कुल पतले पतले आलू के चिप्स निकलेंगे जो फटाफट 5 मिनट में ही बनके तैयार हो जाएंगे, एकदम करारे करारे बनेंगे। पिलर से कितने आराम से कितनी जल्दी जल्दी छिल रहे हैं ये। ये कच्चे आलू हैं, चार बार आलू को धो लिए, बिल्कुल क्लीन हो गए। अब हम इसको निकाल लेंगे, सारे प्लेट में निकाल लिए धो के। अब हम इसमें ये डालेंगे, ये सिंघाड़े का आटा 2 टेबलस्पून, ये जीरा काली मिर्च थोड़ा सा, आधा टी स्पून नमक, सिंघाड़े का आटा लग गया है। और हम इसको, तेल भी हमारा हो गया है। तो देखिए तेल हमारा गर्म हो चुका है अच्छे से। अब हमने गैस को मीडियम रख दिया, अभी हम गैस को थोड़ा फुल कर देते हैं। ये हमारे व्रत के लिए बन रहे हैं सिंघाड़ा आटा आलू चिप्स। ये देखिए हमारी 1 मिनट हुआ है अभी। ये 1 मिनट में ही हो गए, अभी हम दूसरा राउंड डालेंगे इसमें। गैस को हमने फुल पे रखा हुआ है। ये देखिए क्या हमारा 1 मिनट और लगा इसको फ्राई करने में। अभी एक राउंड और चले आएगा जिससे कि एकदम से करार हो जाएंगे ये। बने गल गए सब, बस अब इसको एक बार राउंड और तेल तेज करके, तेज गर्म करने के बाद इसको डालेंगे। अभी एकदम से करारे करारे हो जाएंगे। ये हमारा तेल गर्म हो गया,
बस देखिए कितनी जल्दी से हो गए करारे। हमारे कितने करारे करारे होंगे अब तो आ जा रही होगी। और भाई आलू से कितने सारे बने हैं तो ये लीजिए बन गए सिंगाड़ा आलू चिप्स व्रत वालों के लिए, चटनी ये चटनी और ये दही।